अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता की है। ये कमेटी दो चीजों पर कार्य करेगी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है। इस गरीब कल्याण पैकेज में एक सबसे जितने भी स्वास्थ्य और सफाई के कर्मी कोरोना के इस अभियान में जुटे हुए हैं इनको 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भारत सरकार ने उपलब्ध कराया। ये राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, सभी प्रकार के कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने और भी तमाम घोषणाएं की हैं, जैसे 3 महीने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रत्येक किसान को 2000 रुपए की राशि अतिरिक्त देने की व्यवस्था, जनधन योजना में हर परिवार की महिला जो सदस्य है, जो महिला सदस्य जिसका अकाउंट है उसे 500 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था, 3 महीने तक एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना में आच्छादित परिवारों को निःशुल्क देने की व्यवस्था, ऐसे ही कुछ कार्यक्रम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के रूप में घोषित किए हैं, गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित किए हैं। तो प्रदेश सरकार ने भी इस बारे में पहले ही अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने, हमारे पास 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक हैं। इन 20 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को हम लोगों ने 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता उनके अकाउंट में देने की व्यवस्था की, जिसमें से आधे से अधिक लोगों के खाते में अब तक पैसा जा चुका है। शेष की कार्रवाई इस समय प्रचलित है, पैसा उनके खाते में दिया जा रहा है। मनरेगा के मजदूरों को हम लोग अभी तक 611 करोड़ रुपए का भुगतान उनके अकाउंट में कर चुके हैं। पेंशन की राशि, 2 महीने की पेंशन, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो या कुष्ठावस्था पेंशन हो, ये राशि कल ही हम लोगों ने 871 करोड़ रुपए की राशि उन सभी लाभार्थियों के खातों में, लगभग 87 लाख लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में कल ही हम लोगों ने एक साथ भेज दी है। इसके अलावा खाद्यान्न उपलब्ध कराना, मनरेगा के लेबर हो, अंत्योदय कार्ड धारक हो, इन सब को हमें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। आपका इसमें दो और यो सहयोग मैं चाहूंगा कि इसके माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आप लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। खासतौर पर एक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पल्लेदार है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, ये जो श्रेणी है इन लोगों को भी हमने 1000 रुपए का भरण पोषण का भत्ता इनके अकाउंट में देना है। हम देना चाहते हैं लेकिन उनका अकाउंट नंबर नहीं है। एक अगर उसके अकाउंट नंबर को आप लोग लेकर के और स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों को उपलब्ध करवा देंगे तो मैं चाहूंगा कि इसमें 1000 रुपए का भत्ता उनके अकाउंट में तत्काल हम उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा, एक आबादी, बड़ी आबादी ऐसे भी होगी जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जो आपके पास आने में या किसी के पास जाने में भी जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, जा नहीं सकते और भी तमाम कारण है, या जैसे बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं, इस समय आए हैं, उन लोगों के पास कोई सहारा नहीं होगा। यद्यपि सरकार खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य इन चीजों को कर रहा है, ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास कोई सहारा नहीं है, उन्हें चिन्हित करना और चिन्हित करके उनकी सूची तैयार करके प्रशासन को उपलब्ध करवाना, उनको राशन कार्ड उपलब्ध करवा देना और खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध करवा दे। दूसरा, एक उनका अकाउंट हो तो 1000 रुपए की राशि हम लोग तत्काल उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था कर सकें, इसके लिए आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं और ये चीजें हमें, इस पर एक कार्य ये हो सकता है। इस पर मैं चाहूंगा कि आप सभी माननीय विधायकगण इस पर थोड़ी भी एक वो कर लेंगे, पहल कर लेंगे तो फील्ड में उतरना नहीं, केवल टेलीफोन के माध्यम से जानकारी लेना, क्योंकि गांव गांव में आपसे जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वे लोग भी इस पे थोड़ा रुचि लेकर के जाए ना, कहीं भीड़ ना लगाएं, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा।
लेकिन बातचीत के माध्यम से भाई कोई ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई खाद्यान्न की कमी ना हो, आप बताइए, सूची बना दीजिए और तत्काल डीएम को उपलब्ध कराइए कि भाई ये इसका अकाउंट नंबर है, ये इसकी वो है। हमने जिलाधिकारियों को कहा है कि वे अपने पास से, हमने आपदा राहत कोष में उनको पैसा उपलब्ध कराया है, पैसे की कमी होगी तो हमने इस बारे में कहा कि टीआर 27 से निकाल करके, एक तो खाद्यान्न की कमी कहीं ना हो, दूसरा भोजन हर जगह बने, तीसरा जो भी जरूरतमंद है 1000 रुपए की राशि इसके अकाउंट में हर हाल में पहुंच जानी चाहिए, ये प्रक्रिया इसमें आपका सहयोग में चाहूंगा कि ये कार्य यहाँ पर आपके माध्यम से भी हर जनपद में हो सकता है, बिना गए टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों का अपना एक मंगा करके हम लोग बिना भेदभाव के बड़ा कार्य इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अपने